वामपंथियों के गढ़ में मोदी की दहाड़ धमकी देने वाले ने भी सुनी 56 इंची सीने की ललकार। जिस जगह मिली मोदी को जान से मारने की धमकी, वहां मोदी जनता के बीच बेखौफ निडर सीनाथान चले। जिस राज्य में मिली मोदी को बम से उड़ाने की धमकी, वहां मोदी ने छोड़ दी बुलेट प्रूफ कार। SPG के भी छूट गए पसीने। लेकिन मोदी शेर की तरह एक एक कदम बढ़ाते रहे, जनता फूल बरसाती रही। मोदी वामपंथियों के गढ़ केरल पहुंचे तो उन्हें देख विरोधियों के होश उड़ गए। मातृभूमि के पुजारी भोले बाबा के सच्चे भक्त मोदी को इसी राज्य में राजीव गांधी की तरह जान से मारने की धमकी मिली तो केरल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। SPG से लेकर केरल पुलिस भी सख्ते में पड़ गई। यहां तक कि डोभाल और शाह भी इस दौरे को टालने की सलाह देने लगे। लेकिन मोदी ने ठान लिया था कि वो जाएंगे, अपने विरोधियों को उन्हीं की धरती से ललकारेंगे। जान से मारने की धमकी से वो डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। और फिर चल दिया एक शेर सीनाथान उस इलाके में जहां उसकी जान को खतरा था, जहां उसके दुश्मन हजार थे, अपने कर्म पथ पर अपना फर्ज निभाने, जनता को करोड़ों की सौगात देने। शाम का वक्त था, मोदी का केरल में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो था। लेकिन अचानक से मोदी अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतर गए। SPG के जवान भी हैरत में पड़ गए, पुलिस भी सोच में पड़ गई कि आखिर हुआ क्या। लेकिन मोदी ने तय कर लिया वो गाड़ी से नहीं पैदल लोगों के बीच जाएंगे। मोदी एक एक कदम बढ़ाते तो उनके ऊपर वहां खड़ी हजारों की संख्या में जनता फूल बरसाकर स्वागत करती। लेकिन पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित था क्योंकि मोदी को जान से मारने की धमकी मिल चुकी थी। 2 दिन पहले ही BJP ऑफिस में एक मेल आया था। उस मेल में मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई, राजीव गांधी जैसा हाल करने की बात लिखी गई, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आई और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मोदी के केरल दौरे से पहले खुफिया रिपोर्ट भी लीक हुई, जो एक गंभीर सुरक्षा चूक है, जिसे लेकर BJP ने सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, यानी एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ खुफिया रिपोर्ट लीक। फिर भी मोदी ने दिखा दिया 56 इंच सीने कदम। जब मोदी दहाड़ रहे थे, उधर सभी विरोधियों की हालत भी खराब हो गई थी। वामपंथियों के गढ़ में मोदी के सहारे BJP ने बड़ी सेंध लगाने की तैयारी कर ली। दिल्ली में विपक्षी एकता का दम भरने वाली पार्टियां ऑफिस में बैठकर सोचती ही रह गई कि कैसे करेंगे मोदी से मुकाबला। उधर जमीन पर उतरकर PM ने 2024 का बिगुल फूंक दिया।